Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. So here's a topic, and today we are going to discuss about some major diseases of chickpea. चिकपी की मेजर डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चिकपी की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्मफुल डिजीज है एसोकाइटा ब्लाइट. एसोकाइटा ब्लाइट विच इज कॉज बाय एसोकाइटा रेबी. दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन. अब देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो एसोकाइटा ब्लाइट होता है इसके सिम्टम्स ऑल एरियल पार्ट पे होते हैं. वो सारे पार्ट जो अबव द ग्राउंड होते हैं उन सारे पार्ट्स में जो है इसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है. उसके बाद जब लेसन जो है लीफ में अपेयर होते हैं, देखिए सबसे पहला वाला जो इमेज है यहाँ पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स, ब्राउनिश टू रेड जो है कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से. देखिए जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है ये पूरा ही लीफ का जो एरिया होता है उसे कवर कर देता है इस तरह से. देखिए ये स्पॉट्स देखिए इस तरह से दिखाई देते हैं. उसके बाद ये जो स्पॉट्स होते हैं ये धीरे धीरे करके स्टेम पोर्शन और पॉड पोर्शन जो होता है पॉड उसमें भी दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से. देखिए सेकेंड इमेज देखिए पॉड में देखिए ब्राउन स्पॉट दिखाई दे रहा है और स्टेम में भी जो है ये दिखाई देने लगते हैं. जब स्टेम ग्रिडल सिम्टम्स शो करने लगता है उसका कॉलर रीजन में भी जो है ग्रिडल सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं तो जो प्लांट होता है वो बेसिकली जो है विल्ट हो जाता है, विदर हो जाता है और वी कैन से द प्लांट विल डाई विद द इन्फेक्शन. जब इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ जाती है, देखिए ये जो तीसरा वाला इमेज है देखिए पूरे प्लांट में जो है इन्फेक्शन फैल चुका है. देखिए जो स्टेम है वो देखिए ग्रिडल सिम्टम्स शो कर रहा है, ठीक है, और जो लीव्स हैं वो बेसिकली ब्राउन कलर की हो चुकी हैं. जो पॉड है वो भी उनमें भी ब्राउन कलर के स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहे हैं. तो ये वाला जो इमेज है देखिए इसमें पूरे प्लांट में इन्फेक्शन जो है बेसिकली फैल चुका है. तो यहाँ पे जो प्लांट है उसकी जो सीवियर कंडीशन होती है डिजीज की वो बेसिकली प्लांट को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है कंप्लीटली. प्लांट कैन नॉट बी सर्वाइव इन द सीवियर कंडीशन ऑफ दिस डिजीज, ठीक है. अब बात करते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशन की. देखिए टेम्परेचर ऑफ 22-25 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड 60% एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हाई रेनफॉल है तो दैट विल ऑल्सो फेवर द पैथोजन्स ग्रोथ. पैथोजन की ग्रोथ को और इन्फेक्शन को रैपिडली इंक्रीज करने में, सीवियर करने में जो है ये फेवरेबल कंडीशन होती है. देखिए अब बात करते हैं पैथोजन के स्प्रेड आउट होने की, मतलब इसके मीडियम की बात करते हैं. देखिए जो मीडियम होते हैं सबसे जो प्राइमरी सोर्स होता है, देखिए ये जो पैथोजन है बेसिकली ये एक्सटर्नल और इंटरनल सीड बॉर्न है, ठीक है. तो जो इसका प्राइमरी सोर्स होता है डिजीज को स्प्रेड आउट करने के लिए वो होता है आपका सॉइल में जो डेब्रिस होते हैं, ठीक है. प्लांट डेब्रिस जो होते हैं वो बेसिकली जो है इसका सोर्स होता है, मतलब सीड बॉर्न, ठीक है. प्राइमरी सोर्स है सीड बॉर्न, ठीक है, सीड बॉर्न और इसमें जो प्लांट डेब्रिस होते हैं सॉइल में वो. सेकेंडरी सोर्स जो इसका है वो है एयर बॉर्न, ठीक है, एयर बॉर्न. फर्स्ट सोर्स जो है वो है सीड बॉर्न, सेकेंड है एयर बॉर्न. तो ये जो है इसके सोर्स होते हैं और ये पैथोजन जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सीड बॉर्न होता है. तो ये जो है कोनिडिया के स्प्रेड आउट होने के मीडियम होते हैं, ठीक है. अब देखिए उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में. देखिए मैनेजमेंट में जो है जो सीड्स हैं, देखिए सीड्स जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है थायरम से, थायरम 2 ग्राम और या फिर कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या फिर थायरम और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर बनाया जाता है अराउंड 1:1 रेशो का और 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड जो है इसे अप्लाई किया जाता है. क्योंकि जो डिजीज है वो सीड बॉर्न है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल सीड बॉर्न है, तो सीड को जो है बिफोर प्लांटिंग ट्रीट किया जाता है. उसके बाद देखिए जो मैनेजमेंट है उसमें स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का अराउंड 500 ग्राम पर हेक्टेयर और क्लोरोथेनोलिल का 1 kg पर हेक्टेयर, ठीक है. तो ये जो है इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनमें केमिकल बेसिकली यूज किया जाता है. अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखिए जो अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें इंटरक्रॉपिंग की जाती है चिकपी की विद व्हीट, बार्ले एंड मस्टर्ड, ठीक है.
और उसके बाद जो सीड होता है, सीड को एक्सपोज किया जाता है अराउंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे जो है सीड को एक्सपोज किया जाता है, और इसके कारण जो है बेसिकली जो इन्फेस्टेशन होता है या जो अकरेंस होती है पैथोजन की, वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है अराउंड 40 to 70%। जो सर्वाइवल रेट होता है पैथोजन का वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या किया जाता है, सीड को एक्सपोज किया जाता है इन 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जिससे जो है जो पैथोजन होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके अलावा देखिए कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज की जाती हैं, जो कि एसोकाइटा ब्लाइट के लिए जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है। कुछ वैरायटीज के नाम जो है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूं, जैसे B6-261, B6-280, गौरव। देखिए ये वाला जो वैरायटी है चिकपी का गौरव, ये जो है नैनीताल बैंक के बैंक का जो अभी रिसेंटली स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गौरव वैरायटी है चिकपी की वो किस डिजीज के लिए जो है रेजिस्टेबल है, तो उसका आंसर था एसोकाइटा ब्लाइट। तो गौरव जो वैरायटी है वो रेजिस्टेबल वैरायटी है, ग्रो की जा सकती है जहां पे एसोकाइटा ब्लाइट का जो है अकरेंस ज्यादा है या ये डिजीज जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होती है, ठीक है। तो दीज आर दी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रेजिस्टेबल वैरायटी फॉर एसोकाइटा ब्लाइट। नाउ विल मूव फर्दर। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है चिकपी की वो है रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज जो कि कॉज होती है यूरोमाइसिस सिसरिसिस से, दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द रस्ट। और रस्ट में क्या होता है, देखिए रस्ट ये जो है एक फंगस होता है, ठीक है। ये फंगस क्या करता है, ये इन्फेक्शन अपेयर करता है लीव्स में, कुछ इस तरह से जो है स्पॉट्स इसमें कॉज होते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के जो है स्पॉट लीव सर्फेस पे, ठीक है, लीव सर्फेस पे दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे करके ये डार्क होते जाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए लोअर सर्फेस में भी दिखाई देंगे, अपर सर्फेस में भी दिखाई देंगे। ये क्या करते हैं, इंटायर लीव सर्फेस को जो है कवर कर देते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए बोथ सर्फेस पे, ठीक है, अपर एंड लोअर सर्फेस दोनों सर्फेस पे जो है ये कॉज होते हैं। और रस्ट कलर का अपीयरेंस बेसिकली इनका होता है, रस्ट कलर बेसिकली ब्राउन कलर से सिमिलर होता है, तो ब्राउन कलर या रस्टी कलर का जो है ये अपीयरेंस देते हैं और अपर लीफ सर्फेस में भी और लोअर लीव सर्फेस में भी, ठीक है। ये जो है इनका बेसिकली सिम्टम्स होते हैं रस्ट डिजीज के। अब देखिए ये जो है लीव्स में सबसे पहले अकर करते हैं, लीव्स एरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ब्राउन और पाउडरी लेसेंस जो है ये फॉर्म करते हैं, और धीरे धीरे जो है ये प्लांट का जो पूरा फोलिएज होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, पूरा फोलिएज जो होता है प्लांट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो है सिम्टम है रस्ट डिजीज के। इसका जो सोर्स है प्राइमरी सोर्स वो वीड है, वीड इन्फेस्टेशन। अगर वीड की पॉपुलेशन जो है फील्ड में बढ़ रही है तो जो इसका इन्फेक्शन होगा वो सीवियर होता जाएगा। विंड, विंड इसका सेकेंडरी सोर्स है। देखिए सोर्स का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, किस मीडियम से जो है ये डिजीज जो है स्प्रेड आउट होती है। अगर मैंने कहा सीड बॉर्न, तो सीड बॉर्न जो है उसका प्राइमरी सोर्स होगा, मतलब जो कॉजल कॉज होगा इन्फेक्शन का, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी कॉज जो होगा, मतलब इन्फेक्शन किस कारण से सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो वो सीड होगा। यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी सोर्स बताया वीड, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इन्फेस्टेशन आपका बढ़ रहा है या सीवियर होता जा रहा है वो हो रहा है ड्यू टू वीड, ठीक है। और सेकेंडरी जो मीडियम होता है वो होता है विंड, तो ये जो है इसके मीडियम है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। देखिए इसके मैनेजमेंट में जो है सबसे पहले वीड होस्ट को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो भी वीड पॉपुलेशन होती है उन्हें जो है फील्ड से एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद देखिए कार्बेंडाजिम का अराउंड 500 ग्राम पर हेक्टेयर कार्बेंडाजिम, और प्रोपिकोनाजोल का जो है 1 लीटर पर हेक्टेयर जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है। सो दिस इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रस्ट डिजीज ऑफ चिकपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज है विल्ट डिजीज, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है चिकपी की, विल्ट डिजीज। देखिए विल्ट डिजीज जो कि कॉज होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर विल्ट, और यहाँ पे जो विल्ट ऑक्सीस्पोरियम की जो स्पीसीज यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होती है वो है सिसरिस। सिसरिस इज जो है चिकपी में विल्ट को
कॉज करती है। देखिए इसके सिम्टम्स जो होते हैं विल्ड डिजीज के सिम्टम, ये दो स्टेज में आते हैं, दो स्टेज में। एक स्टेज होती है सीडलिंग स्टेज, ठीक है, और दूसरी होती है फ्लावरिंग स्टेज। तो सीडलिंग और फ्लावरिंग दो स्टेज में जो है ये सिम्टम्स बेसिकली आकर होते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो सीडलिंग्स में जो शो होते हैं, येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स, ड्रॉपिंग ऑफ द पेटियोल्स एंड ड्रेकिस एंड विदरिंग प्लांट्स। देखिए ये वाला इमेज देखिए, देखिए पूरा प्लांट जो है वो विदर हो चुका है। तो इन केस ऑफ अडल्ट प्लांट, अडल्ट प्लांट में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो इनिशियली अपर पार्ट, ठीक है, ऑब्जर्व्ड लीव्स जो है अपर पार्ट सून ऑब्जर्व्ड इन द एंटायर प्लांट, ठीक है, मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले अपर पार्ट में जो है अपेयर होता है और धीरे धीरे जो है पूरे ही प्लांट में वो इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद देखिए वैस्कुलर ब्राउनिंग, कॉन्स्पिक्यूअसली सीन ऑन द स्टेम एंड रूट पोर्शन। ये देखिए पूरा ही प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो चुका है, ये देखिए पूरा प्लांट यहाँ पर देखिए। देखिए कुछ प्लांट्स जो हैं वो आपके विल्ट सिम्टम शो कर रहे हैं, कुछ ग्रीन होके ग्रीन हुए हैं, ठीक है। तो जो प्लांट ग्रीन है, जो प्लांट पार्ट ग्रीन है उसमें इन्फेक्शन अभी जो है स्प्रेड नहीं हुआ है। जो ड्राई हो गए हैं मतलब उनमें इन्फेक्शन जो है वो आकर कर चुका है। यहाँ पे देखिए पूरे ही प्लांट में इन्फेक्शन हो चुका है, ये वाला इमेज देखिए, पूरा प्लांट देखिए विल्ट हो चुका है, ड्राई हो चुका है, रूट पोर्शन देखिए पूरा प्लांट जो है वो विल्ट से इन्फेक्ट हो चुका है। तो दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स फॉर द विल्ट डिजीज इन चिकपी, ठीक है, सीडलिंग एज वेल एज एट फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज मतलब यंग प्लांट में, और सीडलिंग स्टेज होती है जब जो है प्लांट बहुत ही ज्यादा जो है टेंडर स्टेज में होता है, ठीक है। देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशन की अगर बात की जाए तो हाई सॉइल टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, और हाई सॉइल मॉइस्चर, हाई सॉइल मॉइस्चर भी जो है इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो है सीड्स को ट्रीट किया जाता है कार्बेंडाजिम से या थायरम से, 2 ग्राम पर केजी, या फिर कार्बेंडाजिम और थायरम का जो है मिक्सचर बनाया जाता है और सीड्स को ट्रीट किया जाता है विथ ट्राइकोडर्मा वर्डी 4 ग्राम पर केजी, ठीक है, या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 kg per kg ऑफ सीड, 10 ग्राम ऑफ सीड। तो ये जो है इसका केमिकल मैनेजमेंट है, मतलब जिसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो है जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर सीडलिंग में जो है इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उन सीडलिंग्स को जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है फील्ड से। उसके बाद देखिए कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो की जाती है जो कि विल्ट के लिए जो है रेजिस्टेंट होती है, जैसे अवरोधी वैरायटी। अवरोधी वैरायटी जो है चिकपी की वो विल्ट के लिए रेजिस्टेबल है, आलोक, आलोक सम्राट, ठीक है, आलोक सम्राट, पूसा, पूसा 212, जेजी 322, ये जो है इनके लिए रेजिस्टेबल वैरायटी है। कुछ और रेजिस्टेबल वैरायटी है जैसे हरियाणा चना 1, ठीक है, और काबुली के लिए, ठीक है, काबुली के लिए जो है वो है पूसा 1073 और पूसा 2024। तो ये जो है इनके लिए रेजिस्टेबल वैरायटी है। देखिए जो चिक पी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लैक कलर का स्मॉल सीडेड और एक होता है काबुली, ठीक है। तो काबुली के लिए जो लास्ट पे दो वैरायटीज मैंने बताई हैं वो काबुली चना के लिए जो है रेजिस्टेबल है, मतलब काबुली में चना में अगर जो है विल्ट डिजीज कॉज होती है तो वहां पे ये दो वैरायटीज जो है रेजिस्टेबल वैरायटी है, और जो अदर वाली है वो जो है ब्लैक वाला जो होता है चिकपी, ठीक है, बंगाल ग्राम जिसे कहते हैं उसके लिए जो है रेजिस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं ये जो डिजीज है वो बेसिकली इसका जो पैथोजन होता है वो सीड बॉर्न है, ठीक है, सीड बॉर्न है और सॉइल बॉर्न होता है, ठीक है। देखिए जो जो वो जो पैथोजन या जो भी डिजीज सीड बॉर्न होती है,
ठीक है, वो सॉइल बॉर्न भी होती है। क्यों होती है सॉइल बॉर्न? देखिए, सॉइल में इंफेक्शन कैसे कॉज होता है, सीड को सॉइल में लगाया जाता है, जब प्लांट्स होता है इंफेक्टेड प्लांट के जो प्लांट डेब्रिस होते हैं वो सॉइल में रह जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है सॉइल बॉर्न। ठीक है, तो सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न है, सीड से भी इंफेक्शन कॉज होता है, सॉइल से भी इंफेक्शन कॉज होता है। इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स होता है सॉइल। ठीक है, सॉइल में जो प्लांट डेब्रिस होते हैं, ठीक है, क्रॉप के, वो उनके कारण जो है, उनके कारण इंफेक्शन कॉज होता है प्राइमरली। सेकेंडली जो सोर्स होता है इरिगेटेड वाटर, इरिगेशन वाटर, ठीक है, कल्चर ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंट्स, इनसे जो है ये इंफेक्शन कॉज होता है। तो ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज है चिकपी का वो है स्टर्न डिजीज, विच इज अ वायरल डिजीज। ये जो है वायरस से कॉज होती है एंड वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एफिड। एफिड इज द वेक्टर फॉर स्टर्न डिजीज इन चिकपी। देखिए, इस डिजीज में जो इंफेक्शन होता है, ठीक है, वो जो है लीव्स में, देखिए लीव्स जो है वो येलो होने लगती है, ऑरेंज और ब्राउन डिस्कलरेशन जो है शो करने लगती है, तो स्टेम में भी जो है डिस्कलरेशन आने लगता है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट इमेज है, देखिए ये वाला इमेज, देखिए डिस्कलरेशन जो है फोलिएज का डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब लीव्स में डिस्कलरेशन आ रहा है, धीरे धीरे स्टेम में भी जो है वो कॉज होता है। और जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं, अफेक्टेड प्लांट्स जो है स्टंटेड ग्रोथ शो करते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, और शॉर्ट इंटरनोड्स इसमें होते हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स, बुशेस टाइप हो जाते हैं, बुशेस टाइप, छोटी छोटी झाड़ी जैसे दिखाई देती है, उस तरह से जो है इनका अपीयरेंस होने लगता है जो इन्फेक्टेड और अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स होता है वो प्री मेच्योरली जो है उसमें विदरिंग होने लगती है, और जो स्मॉल पॉट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट में बहुत ही कम पॉट्स बेसिकली जो है वो फॉर्म होते हैं, और बहुत ही स्मॉल पॉट्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर देखिए कॉलर रीजन में भी जो है ये सिम्टम्स इसके शो होने लगते हैं, ये जो है स्टर्न सिम्टम कॉलर रीजन में भी, कॉलर रीजन स्टम वाला पोर्शन होता है जो ग्राउंड, ठीक है, जस्ट अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड जो पोर्शन होता है कॉलर रीजन, वहां पे भी सिम्टम्स जो है इसमें शो होने लगते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं स्टर्न डिजीज के, और इस ये जो है एफिड के कारण जो है स्प्रेड आउट होते हैं। इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको फील्ड से एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसके बाद जो है मोनोक्रोटोपोज का स्प्रे किया जाता है 500 ml पर हेक्टेयर, और जो पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट की पॉपुलेशन, मतलब एफिड की जो पॉपुलेशन होती है उसको भी जो है कंट्रोल किया जाता है फील्ड में, मतलब उसके लिए ट्रैप्स जो है फील्ड में लगाए जाते हैं ताकि जो है वो उसकी पॉपुलेशन बढ़े ना, और इंसेक्टिसाइड का जो है पीरियोडिकली इसमें स्प्रे किया जाता है ताकि, क्योंकि एफिड जो है वो रीजन है जिससे जो इन्फेक्शन होता है वो सीवियर होता है एज वेल एज जो है इसके कारण ही जो इन्फेक्शन है वो फैलता है, स्प्रेड आउट होता है फील्ड में। तो ये इसकी कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। ये नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कॉलर रॉट। देखिए, कॉलर रॉट जो कि कॉज होती है स्क्लेरोटियम रोल्फिसी से, ठीक है, इसमें जो है इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली कॉलर रॉट के, ये जो है अर्ली स्टेज अप टू 6 वीक्स में जो है ये अपेयर होना और फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। देखिए, इसमें ड्राई प्लांट्स जो है फॉलिए जिसके जो है ड्राई होते हैं, स्लाइटली येलो हो जाते हैं बिफोर द डेथ ऑफ दी दैट पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद देखिए स्कैटर्ड जो है फील्ड में ये फैलने लगते हैं, इसके जो डिजीज के सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन होता है वो जो है फैलने लगता है फील्ड में। ठीक है, तो ये जो है इंडिकेशन होता है डिजीज का, जब येलोइंग होने लगती है या फोलिएज जो है वो ड्राई होने लगता है, कुछ इस तरह से देखिए इस वाली इमेज में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो स्टेम और रूट होता है, ठीक है, वो जो है आपके डिके, उनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इस वाले पोर्शन में डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब टिश्यूज डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, रॉटिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाती है के कॉलर रूट पोर्शन की, या रूट जो पोर्शन होता है उस पोर्शन की जो है डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, विदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं वो टर्न ब्राउन टू व्हाइट, ब्लैक डॉट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है बेसिकली जो है जो स्पॉट्स होते हैं वो सीवियर होने लगते हैं। देखिए ये देखिए पूरा प्लांट, देखिए इसमें पूरा प्लांट जो है विदर हो चुका है,
ये देखिए नीचे जो रूट पोर्शन है वो भी जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। ये वाला देखिए पूरा फोलिए जिसमें जो है ड्राई बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए जो नीचे जो रूट पोर्शन होता है, कॉलर पोर्शन होता है, वो जो है उसमें रॉटिंग स्टार्ट हो गई है। तो दीज आर बेसिकली सिम्टम्स ऑफ कॉलर रॉट, ठीक है। उसके बाद इसकी फेवरेबल कंडीशन की अगर बात की जाए तो फेवरेबल कंडीशन जो होती हैं वो हाई सॉइल मॉइस्चर और लो पीएच में और हाई टेम्परेचर में होती है। ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द इन्फेक्शन, ठीक है। सॉइल सरफेस पे हाई मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ शोइंग एंड एट द सीडलिंग स्टेज ऑल्सो फेवर द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ये जो है इसकी फेवरेबल कंडीशंस है। देखिए जो डिजीज का इंफेस्टेशन होता है वो मोस्टली उन क्रॉप्स में देखा जाता है जो कि राइस के बाद लगाई जाती हैं या जिनकी अर्ली शोइंग की जाती है। अर्ली शोइंग उन क्रॉप्स में ये जो डिजीज है कॉलर रॉट वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस हो गई। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं या जो जो कि अनडिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे रिमूव किया जाता है फील्ड से, फील्ड को क्लीन किया जाता है। उसके बाद देखिए सीड्स को ट्रीट किया जाता है। सीड्स को ट्रीट किया जाता है विद अ मिक्सचर ऑफ कार्बेंडाजिम एंड थायरम 1:1, 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो ये थी कॉलर रॉट डिजीज ऑफ चिकपी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो डिजीज है वो है फूट रॉट। देखिए फूट रॉट जो कि ओपेरोक्यूलेला से होती है, ठीक है, और इसमें जो है रॉटिंग, कॉलर रीजन की रॉटिंग जो है फूट पोर्शन जो होता है। देखिए ये वाला इमेज और ये वाला इमेज है। देखिए ये वाला जो इमेज है फूट पोर्शन स्टेम का जो अब द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड होता है, ठीक है, उसमें जो है रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंटरनल ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन अपेयर्स होते हैं अब द रॉटिंग पोर्शन, बार्क पोर्शन में भी, ओनली बार्क पोर्शन में ये शो होते हैं। तो इस तरह से जो है ये स्टेम पोर्शन की जो स्टेम का जो सबसे नीचे अबव द ग्राउंड वाला जो पार्ट होता है वहां पे जो है इसकी रॉटिंग स्टार्ट होती है। जो टिश्यूज होते हैं वो रॉट होना वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये कुछ माइनर डिजीज हैं चिकपी की। जो मेजर डिजीज थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। ये कुछ डिजीज हैं जिनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पता होने चाहिए और बेसिक सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फूट रॉट है उसके सिम्टम जो हैं आपके इस वाले पोर्शन में बेसिकली कॉज होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। और रॉटिंग मतलब टिश्यूज जो है डेड होने लगते हैं, कुछ डिस्कलरेशन शो होता है और फॉल स्मेल जो है इनसे आने लगती है। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा ही ब्लैक कलर का आपको जो है विजिबल होने लगता है विद द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट जो कि स्क्लेरोटिनिया से होता है, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखिए कुछ इस तरह से स्टेम की जो है, स्टेम में पहले लेजन्स अपेयर होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है स्टेम जो है वो स्प्लिट होने लगता है। ये देखिए इस तरह से जो है विदर हो जाता है। अफेक्टेड पोर्शन में जो है कुछ कॉटनी ग्रोथ जो है होने लगती है। देखिए इसमें देखिए जो सेकेंड इमेज है, ये वाली इमेज, कुछ इस तरह से जो है कॉटनी ग्रोथ जो है स्टेम के ऊपर होने लगती है। वो जो है आपका इन्फेक्शन होता है, वो पैथोजन होता है जो इस तरह के पाउडरी जो है ग्रोथ वहां पे कॉज करता है। तो ये स्टेम रॉट है, ठीक है। इसमें स्टेम में बेसिकली जो है लेजन्स अपेयर होते हैं अपर पार्ट्स ऑफ द स्टेम में, कुछ इस तरह से। तो ये थी आपका फूट रॉट और ये थी स्टेम रॉट। स्टेम रॉट, ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपको पता होना चाहिए और कुछ बेसिक सिम्टम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कि कॉज होती है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस से। यहाँ पे कैसी जो है स्पीसीज जेंथोमोनास की वो कॉज करती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को। देखिए ये वाला जो इमेज है और ये वाला जो इमेज है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का है। यहाँ पे देखिए स्मॉल वाटर सोक लेजन जो है लीव्स के ऊपर अपेयर होते हैं। क्लोरोटिक जो है बेसिकली लीव शो होने लगती है। क्लोरोटिक मतलब डिस्कलरेशन। लेटर जो है डार्क ब्राउन स्पॉट्स, देखिए कुछ इस तरह से देखिए जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डार्क ब्राउन स्पॉट जो है शो होने लगते हैं लीव्स के ऊपर। और देखिए जो पोस्ट इमर्जेंस सीडलिंग रॉट इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। सीडलिंग्स में भी जो है इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिसके सिम्टम्स जो है लीव्स में
ठीक है, कुछ स्टेम में भी जो है सीवियरिटी के साथ दिखाई देते हैं, पर बेसिकली लीफ को जो है ये अटैक करता है, लीफ पोर्शन को सबसे ज्यादा जो है डैमेज करता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। उसके बाद देखिए दूसरा है बीन कॉमन मोजेक वायरस। देखिए बीन कॉमन मोजेक वायरस जो है वो आपका स्टंटेड ग्रोथ जो है शो करता है, मतलब प्लांट जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो स्टंटेड ग्रोथ शो करता है, बुशी अपीयरेंस जो है शो करता है और मॉटलिंग उसमें होने लगती है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से ये और ये वाला जो इमेज है, देखिए प्लांट जो है इल सिम्टम्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कलरेशन शो करता है, बुशी टाइप अपीयरेंस हो जाता है, मतलब जब वो उसकी ग्रोथ जो है हिंडर हो जाती है तो वो जो है आगे ग्रोथ ही नहीं करता, उसका जो प्लांट होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो वहीं पे जो है ऑब्स्टेकल्ड हो जाती है, हिंडर हो जाती है, तो बुशी टाइप अपीयरेंस जो है प्लांट शो करने लगता है। देखिए इसका जो वेक्टर है वो एफिड, ठीक है, ये भी एफिड की ही स्पीसीज है, तो ये दोनों जो है बेसिकली इसके वेक्टर होते हैं। तो उसके मैनेजमेंट के लिए इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे किया जाता है, पीरियोडिकली इंसेक्ट्स के लिए ट्रैप्स जो है बेसिकली वहां पे लगाए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है ये वायरस को ट्रांसमिट ना कर सके। तो ये जो है बीन मोजेक वायरस या बीन मोजेक जो कि चिकपी की जो है एक माइनर डिजीज है। ठीक है, तो ये थी कुछ डिजीज जो कि चिकपी की डिजीज थी, विच वी हैव डिस्कस्ड अंडर द फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ पैथोलॉजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल बी डिस्कसिंग इट वेरी सून। टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।